ये है भाई बिजली महादेव के यहाँ के नज़ारे। ये यहाँ से 3 किलोमीटर की और चढ़ाई है। हमने तो आगे रूम नहीं मिलता ना, इसमारे हमने यहाँ पे ले लिया था रूम। ये देखो अभी तक बादल कैसे थे, और अभी मैंने फोन दोबारा चार्जिंग लगाया ना, नीचे से सारे बादल उठ के आ गए ऊपर। एक मिनट में चेंज हो गया मौसम। अभी तक सब कुछ क्लियर दिख रहा था, मैं हम फोन लगाया चार्जिंग में वीडियो बना के, और देख सारा सफेद हो गया। ऐसा था मौसम, और अब ऐसा हो गया, बादल नीचे से उठ गए। ये भाई आप बिजली महादेव के लिए चल पड़े। यहाँ से 3 किलोमीटर है ऊपर। रहने के लिए होटल नहीं था, इसमें यहाँ स्टे किया था, होम स्टे। वादिया देखो, वादिया चीता भी है हमारे साथ, हम चीते के साथ सोए थे रात को। भाई बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वाह। ये भाई कल रात हम यहीं रुक गए थे क्योंकि आगे कोई होटल नहीं था, तो ये एक होम स्टे था, वहाँ पे हमने स्टे किया कल। और आज निकल गए नेक्स्ट डे बिजली महादेव की चढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ से 3 किलोमीटर तो गाड़ी का रास्ता था, उसके बाद 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी पैदल। तो ये जो 3 किलोमीटर था, ये थोड़ा रास्ता ख़राब था, और ऐसा ही 3 किलोमीटर जब नीचे कुल्लू से चढ़ाई करती थी तब ख़राब था। वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बाकी टोटल 25 किलोमीटर की, 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, बाकी सब कुछ ठीक था। पर फुल एंजॉय आ रहा था। सुबह ही सुबह बादल इतने आ गए थे, होटल में दिखाया भी था मैंने, थोड़ी देर जो बादल नीचे थे मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के अंदर फ़ोन चार्जिंग लगाने गया, इतनी देर में बादल ऊपर आ गए, फिर दोबारा वीडियो बनाई थी मैंने। तो भाई मिनट में मौसम चेंज होता है यहाँ पे, मिनट में। पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छी जगह थी, मेरा तो भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये भाई गाड़ी लगा दी पार्किंग में, आगे चढ़ाई चालू बिजली महादेव की। कहाँ से होगी चढ़ाई? अच्छा ये चढ़ना है, ये बादल है। चढ़ाई कर दी भाई हमने चालू बिजली महादेव की। बोल शंकर भगवान की जय। जय शिव शंकर। यार यहाँ पे तो भाई रे करेंगे ना यार, धीरे धीरे चलेंगे। आइए भाई, कभी खड़ी चढ़ाई है। वादिया देखो,
धुंध है, बादल है, पता ही नहीं लग रहा। दूर बसने की कितने गई थी, इतनी ऊपर आऊंगा मैं, पर आऊंगा बोले आऊंगा, चाहे कितने कठिन परिश्रम हो आऊंगा। कैसा फील हो रहा बप्पू? चढ़ जाएगा ऊपर तक? जाऊंगा भाई, बिल्कुल देख ले चढ़ाई। चढ़ाई कैसी हो? आज आए हम भाई बिजली महादेव, जहाँ हर 5 साल या 10 साल में एक बार शिवलिंग पे बिजली गिरती है, और आज त्यौहार है शिव जी का, आज मेला लगा हुआ है यहाँ पे, शिव जी को रथ में बिठा के बाहर यात्रा करवाएंगे। भाई वहाँ कटुआ गए थे ना, वहाँ पे चढ़ाई करी थी, थाई इतनी भर गई थी, 2 दिन गोली खाई, कोई फर्क नहीं। आज हम यार दोस्त आ गए थे, कहता भाई बिजली महादेव चलेंगे, मैंने कहा चलो, मैंने कहा मेरे से तो चढ़ा जाएगा नहीं भाई, कह रहा चल बढ़िया देख लियो। रात को मन ही मन में बोला, बोले बाबा इतनी पास आ गए इतनी दूर से आपके, अगर अभी भी आपके दर्शन नहीं हुए ना तो बहुत बुरा लगेगा मेरे को। भाई सुबह उठा ना, रत्ती भर भी दर्द नहीं पैर में, बोले बाबा ने मेरी देख इतनी जल्दी सुन ली, और मन ही मन में बोला था मैंने बाबा को, तभी तो बोलते हैं अपने भोले बाबा, सबसे जल्दी सुनते हैं और सबसे जल्दी बात मानते हैं अपने भक्तों की। भगवान कसम खत इमोशनल कर दिया। चढ़ाई होगी ख़त्म भाई, ऊपर वो मंदिर है, ये मंदिर है बिजली महादेव का, और ये भोले बाबा को रथ यात्रा में निकाल रहे हैं, भोले बाबा की रथ यात्रा चल रही है, त्यौहार है। जय शिव शंभु, बम बम बोले। ये भाई अपने भोले बाबा को रथ सवारी निकलती है, ऊपर है बिजली वाले, ऊपर ही है ना मंदिर वो। ये है बिजली महादेव का मंदिर, जो पोल खड़ा किया है ना इसके ऊपर से बिजली गिरती है। सीढ़ी से चढ़नी है 150 सीढ़ी, फिर ऊपर ही है मंदिर बिजली महादेव। कृष्ण भाई बर्फ है भाई, वही 150 सीढ़ी और रहेगी फिर मंदिर है। बिजली महादेव ये मंदिर है, बिजली महादेव ये वादिया देखो, बादल से भी ऊपर है।
भोले बाबा की भगत। नजारे देखो अंजनी महादेव, वो बिजली महादेव। रुक जाओ मैं भी तो आ जा, किसे तो जानते ये भाई बंतर एयरपोर्ट। और व्यू देख लो, भाई बेहद खूबसूरत नज़ारा था। मेरा तो ऊपर जाने के बाद जी किया ही नहीं, मैं तो एक दिन स्टे करके अगले दिन आया वहाँ से, इतना खूबसूरत नज़ारा था। बंतर एयरपोर्ट टावर भी लग चुके हैं, नेटवर्क पूरे रहते हैं। ये मंदिर है बिजली महादेव, हर 10 साल में एक बार बिजली गिरती है इसमें, 10 या 5 साल में। ये आगे भाई भोले बाबा की रथ सवारी थी, हर 2 साल में मेला लगता है। जब भी लेके गए थे एक गांव तक लेके जाते होंगे, अब वहाँ से दोबारा उल्टा यात्रा करके सीधे दोबारा मंदिर में, हर 2 साल में लगता है। नहीं ये बिजली को पड़ती है, हर साल बढ़ती है बिजली, तो हर साल नहीं पड़ती है। और जो खंडित करती है वो 12 साल में एक बार पड़ती है साल ना। हाँ। लेकिन जो खंडित करती है ना मूर्त 12 साल में एक बार, खंडित करने वाली बिजली पड़ती है 12 साल में एक बार, 12 साल में एक बार पड़ती है। जो खंडित करती है मूर्ति को, करने वाली जो शिवलिंग को खंडित करेगी। हाँ वैसे तो खैर पिछले साल आए थे ये, वो टावर पे पड़ी थी बिजली जो पीछे है ना, हर बार पड़ती है, आग लगी थी जो पिछले वाला पहाड़ है ना ऊपर है ना, ये तो आप पड़ती रहती है बिजली, तो यहाँ से बिजली गिरी थी और पिछले पहाड़ में आग लगी थी बिजली गिरने से। नहीं नहीं ये पेड़ कैसे खराब हो रहे हैं? कौन बिजली से? नहीं कौन पेड़ ये जो जला रखे पेड़, ये जले हुए हैं। जलेबी पकौड़े
ठंडी के मौसम में धमाकेदार एंट्री। यही चटनी क्या महक आ रही है धनिया की उसकी। जलेबी तो ऐसे तार रखी जैसे पीर बाबा पे चढ़ाते हैं ना। आज भाई यही कैंपिंग होगी, माना कि अंदर भी जगह है पर अंदर नहीं रुकेंगे। जैसे वो तंबू दिख रहा है ये सिल्वर कलर का, ये वाला टेंट मंगाया। सोने की तैयारी करेंगे, सुबह जल्दी जल्दी उठना है, ठंड बहुत है यार। सोने की तैयारी आराम करेंगे, खाना बन रहा है, खाना खाते ही सो जाएंगे, खाने का वेट हो रहा है। कल सुबह निकलना है जल्दी जल्दी सीधे घर के लिए। ओके गुड नाइट। भाई बिजली महादेव इतना अच्छा लगा ना यार, वहाँ पे मन को सुकून मिला, शांति मिली और पूरा ही तो कुल्लू दिखता है वहाँ से। कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, सारा दिखता है वहाँ से। बुंदर एयरपोर्ट और इतनी हाइट पे सब कुछ दिखता है वहाँ से। मेरा तो ऐसे मन लग गया था, मैंने कहा भाई आज का स्टे यहीं बनता है अपना, बार बार तो आया नहीं जाएगा, आज वहीं स्टे करेंगे। फिर एक दिन मतलब रात को हम वहीं रुके और सुबह सीधे उठते ही निकल पड़े घर के लिए। इसमें कुल्लू का जो फ्लाईओवर है वहाँ से यूटर्न लेके आना पड़ता है, वहाँ से मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर का रास्ता है ये, जिसमें से 3-4 किलोमीटर टूटा हुआ था शुरू में, बीच में सही था और 2-3 किलोमीटर आगे टूटा हुआ था, और बाकी चढ़ाई है मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई है ये। पर हाँ दिल को सुकून मिलता है भाई, बिल्कुल जो नज़ारे दिखते हैं ना ऊपर से, पहाड़ी अलग कलर के दिख रहे थे भाई, नीले वीले पता नहीं कैसे कैसे, और रात को तारे दिल्ली में तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, वहाँ पे तो इतने बड़े दिख रहे थे जैसे कॉस्को की बोलो भाई। बहुत मज़ा आया, दिल को सुकून ही मिला था। जो वहाँ पे नहीं गया तो कहता हूँ इस बार जरूर जाके देखो, बहुत आनंद आया। राइट टर्न ले जाना पड़ता है और कुछ ज़्यादा भी नहीं है, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में चढ़ गए थे हम, बैठा इतना ही लगा था, 1 से 1.5 घंटा लगा होगा, 2 लग गए होंगे ध्यान, 2 लग गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं। चलो इन्जॉय करो आप वीडियो को, गाना लगाता हूँ अपना। सारी मासूम सी खुशियाँ
कितने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। बाहर की गाड़ी थी, इंडिया से बाहर की थी सारी,
कोई WB, कोई US की थी, कोई कहीं की थी, 6-7 गाड़ी सारी एक साथ थी और पूरे वर्ल्ड टूर पे जा रहे थे और इनको प्रमोशन किया था किसी कंपनी ने, मतलब पैसे वो दे रही थी और इनकी गाड़ियों के पीछे भी लिखा हुआ उस कंपनी का नाम जिन्होंने स्पॉन्सर किया था इनकी ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप पे थे सारे। सारी मासूम सी खुशियां चल भूल जाए, फासले दरमियां किसने बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा।